जय हिंद दोस्तों। दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के ऊपर जो डीओपीडी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और एनसीजेसीएम की बैठक हुई थी, जहां पर महंगाई भत्ता के ऊपर केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी, अब उसकी सच्चाई निकलकर सामने आ गई। सच्चाई क्या है दोस्तों? केंद्रीय कर्मचारी निराश ना हो, जुलाई से महंगाई भत्ता डिक्लेयर ना होने की वजह आई सामने, यानी कि किस वजह से महंगाई भत्ता डिक्लेयर नहीं हुआ वो वजह सामने खुलकर आ गई है। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा दोस्तों, डीए फ्रीज के कारण पेंशनरों को हुए नुकसान की होगी भरपाई, रुके हुए महंगाई भत्ते का एरियर मिलेगा। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारी, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे डिफेंस के हों, पोस्टल के हों, किसी भी विभाग के हों, 20 जनवरी के बाद पेंशन आए हैं, जिनको महंगाई भत्ते की दरें उनके कम्यूटेशन में, लीव इनकैशमेंट में नहीं लगी हैं, वो निराश ना हो, उनको इसका एरियर मिलेगा, उनको वो किस्तें मिलेंगी। ये चीज भी मीटिंग से खुलकर सामने आई है। ये चीज मैं अब आपको इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से बताता हूं, जो उस मीटिंग की ऑडियो क्लिप लीक हुई है दोस्तों। हेलो, हाँ राधा बल्लभ जी नमस्कार, साधु सिंह बोल रहा हूँ, बोलिए। नमस्कार, अरे क्या हुआ बैठक में, कुछ निर्णय हुआ? डीए के बारे में जो है उन्होंने ये कहा जो है कि देखिए, मतलब हमारी डिमांड ये थी कि जुलाई की जो किस्त है उसको डिक्लेयर करिए, जो है तब करिए आप। लेकिन 30 जून को हमारा जो 3 किस्तें जो रोकी है उसका समय पूरा हो गया, उसको 1 जुलाई से पेमेंट करिए। तो उस पर उनका ये कहना था कि जब तक ये कैबिनेट में डिसीजन नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते हम। अच्छा, हमको ये चीज था कि 30 जून तक ही फ्रीज किए थे। हाँ वही, वही जून के बाद 1 जुलाई से डिफ्रीज हो जाना चाहिए अपने आप। हाँ वही वही मैं कह रहा था कि जो है उसको डिफ्रीज करिए। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक किस्त को तो कैबिनेट में मंजूरी मिली है, दो को कैबिनेट की मंजूरी मिलनी है, वो मिलने के बाद होगा। अच्छा, इसमें एक विषय जो है मैंने उठाया फिर जो है कि देखिए, इसके जो रिटायर हुए हैं डीए फ्रीज होने के बाद तमाम लोग, उनको एक लंबा नुकसान हुआ है ग्रेच्युटी में और जो है लीव कम्यूटेशन में जो है। अच्छा, उसके ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये कहा कि देखिए ये जो है आपको मिल जाएगा। अच्छा, जब ये किस्तें जब क्लियर हो जाएंगी सब। अच्छा, तो आपको हमका नोशनल जो है डीए करके उनका भुगतान, मतलब उसमें जो लोग रिटायर हुए हैं उनका नुकसान हुआ कम्पटेशन में, ये उन्होंने बोल दिया कि ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी अभी आपने वीडियो क्लिप में सुना, जैसे ही दोस्तों जुलाई 2020 और जनवरी 2021 की किस्तें कैबिनेट में अप्रूव हो जाएंगी, उसके बाद आपको जुलाई से तीनों किस्तों का महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और इस पीरियड में जो पेंशनर्स आए हैं उनको जो लॉस हुआ है उनके कम्यूटेशन में, उनके लीव इनकैशमेंट में, वो सारा भी उनको रिकवरी मिलेगी। इसके बारे में अभी आपने ऑडियो क्लिप में सुना। तो दोस्तों इसी तरह की हर ऑथेंटिकेटेड जानकारी जानने के लिए, अगर जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अपनी राय, अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में देना ना भूलें। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।